चीजें याद आ गई हैं। ये तो एक तरह का हास्यास्पद ही है, क्योंकि ये सब बातें जो वो कह रहे हैं वो उसका कोई मायने रखता नहीं, पर उनको कहना पड़ेगा। उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एरेना में अपने फेल्यूर को छुपाना है, उसके लिए कहना पड़ेगा। आम जनता को ये दिखाना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और वो तो ये भी कहेंगे कि ये सब सारे हमारी छवि बिगाड़ने के लिए भारत करता है, पाकिस्तान का ये इसलिए। ये तो उन्होंने कहना है, ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है सर, ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है, सबसे अच्छा शॉर्टकट है। पर फैक्ट यही है कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो आपको आपको भी डसेंगे जी। आतंकवादी ग्रुप जितने भी हैं वो किसी के नहीं होते, उनका एक लेवल पे आके फिर वो बिल्कुल एक तरह से स्वच्छंद हो जाते हैं। अब जितना पैसा कलेक्शंस ये लोग इसमें लश्कर ए तौबा और जैशे जो करते हैं उसमें ये ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ही होती है, और उसमें लोकल लोगों को वो इन्वॉल्व करते हैं। तो TTP जो है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा। ये आप मानेंगे नहीं कि ये जो 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 आउटफिट्स हैं इनके ISI से भी बड़े तगड़े रिलेशंस रहे, उनको सपोर्ट करा इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग। पर जब जब सारी चीज़ों को लेकर झगड़े होते हैं तो आपस के झगड़ों के नतीजे निकलते हैं। रहा सवाल स्वात वैली का, तो स्वात वैली में इनको ले जाने की गलती इन्होंने बहुत बड़ी करी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और उसके आसपास के इलाका तो ठीक है, पर एक्सट्रीम रिमोट एरियाज में वहाँ पर किसी की चलती नहीं थी पहले भी, और अब TTP ने उस पर पूरा कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ पर अब जैसा अभी हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट ने बोला कि भाई पुलिस भी इसमें एंगेज हो सकती है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से हुआ है, तो वो सारे इंटरनल है पुलिस में, वहाँ पर उनको भी इसमें एक्सटॉर्शन मनी और ड्रग ट्रैफिकिंग के पैसे मिलते होंगे, तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये बाउंस बैक हो गया है, ट्रिप ले जाना उन्होंने अपनी इंटरनेशनल छवि ठीक करने के लिए करी थी, ये बाउंस बैक हो गया है। और उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाषण जो है उस दुनिया जानती है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके डोजियर हर जगह प्रूफ उन्होंने, चाहे वो यूनाइटेड नेशन और रशिया। मुझे ये लगता है मेजर जनरल JKS परिहार साहब कि अब ये जो राजदूत हैं 12 देशों के जो राजदूत हैं, ये कम से कम पाकिस्तान या इस्लामाबाद में मौजूद बाकी देशों की एम्बेसी के साथ भी अपने इस अनुभव को साझा जरूर करेंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन होगी कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया और पाकिस्तान की जो तस्वीर है वो असल तरीके से दुनिया के सामने अब चली जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि राजदूतों के काफिले पर जो हमला हुआ है आतंकी हमले के बाद, तहरीक तालिबान ने बयान दिया है राजदूतों के काफिले में हमले में TTP का हाथ नहीं है, अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। तो ये कौन है जिसने ये सब कुछ किया है, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा स्वात वैली में ले जाकर क्या दिखाना चाहती थी इन सारे राजदूतों को, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो वो पेश करना चाहती थी। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, डिप्लोमेटिकली इस मैसेज को, इस हरकत को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा और किन किन लेवल पर किया जाएगा, कैसे कैसे स्तर पर इसको डिस्कशंस में शामिल किया जाएगा, क्या पाकिस्तानी डिप्लोमेट खुद को डिफेंड कर पाएंगे जब वर्ल्ड एरिना पे या किसी बड़े डिस्कशन में टेरर को लेकर, टेरर कंट्रोल को लेकर बात होगी। तो देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया, और यही प्रश्न कुछ दिन पहले जयशंकर जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था हमारे विदेश मंत्री जी से। तो जयशंकर जी ने कहा था कि देखिए, दुनिया को लंबे समय तक आप ये सोचें कि हम उनको, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। मेरे दिमाग में ये चीज लाइन आ रही, क्या पाकिस्तान अब भी उलझा हुआ है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में, कि ये सब आ रहा है सामने, अब आप पूरा कर ले जवाब। हाँ, देखिए, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये तो अमेरिका का देन है, अमेरिका की पॉलिसी थी जब उसने गुड तालिबान और बैड तालिबान कहा था। उस समय हालांकि बात है कि पाकिस्तान उसके सुर मिलाता था, परवेज मुशर्रफ हो या उसके बाद हम ओल्ड लीडर्स की बात करें, उन सब का कहना यही था कि गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। एक्चुअली मैं टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को ये बोलता हूँ, तो हमारी पुरानी कहावत जो हम घर परिवारों में चलते भी हैं कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन खुद उसमें गिरते हैं। इसको अगर मैं इंटरनेशनली रिलेशन की भाषा में कहूँ तो पाकिस्तान ने आज एक क्वारंटीन मॉनिस्टर बना दिए हैं। क्वारंटीन मॉनिस्टर उनको बोला जाता है जो औरों के लिए आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, खत्म करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो आज आपको ही क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आपको ही मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने TTP बनाया, वो TTP क्या है, ये TTP वही है जिनको आपने क्या किया था USSR से